करें। अब क्या बताएं कि लोग कुछ कुछ तो बुरा मान जाते हैं कि क्या बोल गए, कैसे बोल गए, है ना। हम तो यही समझ रहे हैं कि बस अब तो बस पीर साहब के हाथ चूम लिए, सर पे रख गए, हो गया सब बेड़ा पार हो जाएगा जी, होएगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर मौलाना सिद्दीक साहब भी, मौलाना आयुब साहब भी हमें बड़ा अच्छा अमल बताया, चलो हम भी छोड़ दे, चलो चूमो, चलो चूमो, चूमना कदम भी चूमो, पैर भी चूमो, मगर चारा नहीं मगर नमाज। आपने पीर साहब के हाथ चूम लिया, आप तो बस गौसुल वरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान कितनी निराली है, कितनों को जन्नत की बना दिया गौसुल। आपने नहीं सुना, सुना है बार बार, खाली इसलिए कि याद दिलार होना। तो एक जगह खाने के लिए गौसे पाक गए थे तो अल्लाह बोला उसको जन्नत बनाना था, तो जब गए दस्तरखान बिछा, दस्तरखान बिछा तो एक बच्ची आई हाथ हिलाने लगी, तो एक मरतबा दबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा, पांच मरतबा, छह मरतबा, सात मरतबा। तो साथ में जो साथी थे मुरीदी, इन्होंने देखा कि हुजूर तो ऐसा कभी नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे ऐसा, आज सात मरतबा क्यों हाथ धो? तीन मरतबा हाथ धोना सुनत है ना, आप लोग धोते हैं कि नहीं धोते? खाने से पहले हाथ धोते हैं ना जी, खाने में अगर बरकत चाहिए तो सुन्नत नबी के मुताबिक खाइए। सुन्नी दाऊद सलाम यही पैगाम देना चाहते हैं आप, ताकि खाते वक्त में भी नबी को भूलना मत, खाते वक्त भी याद रखना, सोते वक्त भी याद रखना, चलते वक्त भी याद रखना, खलवत में भी याद रखना, जलवत में भी याद रखना, तंदुरुस्ती में भी याद रखना, बीमारी में भी याद रखना। जब ऐसे याद रखेंगे मगर एक जुमला गौसुल वरा का भी हम अगर दिल में उतार लेना तो इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। सर्दी ज्यादा है और आप लोग बैठे हैं करीब पौने घंटे के करीब, तो गालिबन बयान हो ही गया है, मुख्तसरी अच्छा रहता है अल्लाह का। तो सात मरतबा हाथ धोए, पूछा के हुजूर तीन मरतबा ये तो आदत है और सरकार की सुन्नत भी कि आप धोते थे, मगर सात मरतबा हाथ, इस मरतबा धोला तो मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की निगाहें थी ना अल्लाह का, कि किसी ने कहा ना कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर दी। ना तो वली की बात थी, ये तो वलियों के सरदार है, वलियों की बात ये है, ये निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर दी। मगर तकदीर किसकी बदलते मालूम है? नमाजियों की बदलते। तो आप बोलेंगे कि बेनमाजी बन के तकदीर बदल जाए, ये तो सरकार गरीब नवाज का फैज के काफी था, एनआरसी फलासी फलासी सब चले जाते ना, फैज जारी कर देते ना, ये जारी करने वाले गौसे आजम गरीब नवाज का फैज जारी होता ना, जो भी कानून जारी है ना पहली रवानी कर देते हैं ना, उनकी तो हुकूमत तो उनकी चाहे ना, मगर हमारे आमाल की वजह से नजर नहीं है उनकी, वरना उनकी नजर हो जाए ना हमारी पीढ़ियां होने लगी। मेरे दोस्त तो हमें बनना पड़ेगा, हमें बनना पड़ेगा, इस्लाम के कानून को अपनाना पड़ेगा। तो पूछा गौसे पाक से कि आपने सात मरतबा हाथ धोया, तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि जब पहली मरतबा बच्ची ने मेरे हाथ पर पानी डाला तो मैंने उसके पेशानी पर लिखा हुआ देखा कि ये जहन्नमी है। बाज ने भी कहा कि उसके पेशानी पर ही लिखा देखा कि ये काफिर है, अब काफिर होगी तो जहन्नम भी जाएगी अल्लाह। तो मैं हाथ धोता था और उसके तकदीर को धोता था, हाथ धोता था उसकी तकदीर को बदलने की कोशिश करता। मेरी रब की बारगाह में मैंने गुजारिश की, मौला जिसने मेरे हाथों को बनाया है वो जहन्नम में कैसे जा सकते हैं? ए अल्लाह जन्नती बना दे, जब उसके जो है तो अल्लाह पेशानी पर वो जन्नती है, ये मेरा है, जब ये लिखा हुआ देखा तो मैंने हाथ धोना बंद कर दिया। अल्लाह।
मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उन्होंने दूसरों को जन्नती बनाया है, हम अपने आप को जन्नती बनाए। तो रब ने पहले नंबर पर हमें हुक्म दिया है कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। अब शरीयत के दायरे में आप आ जाएंगे, नमाजी बन जाएंगे, मुत्तकी बन जाएंगे, सच्चे बन जाएंगे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फिर पोतरे को, पोतरी को, नवासे को, नवासी को, बेटे को और रिश्तेदारों को फिर कहेंगे कि नमाज पढ़ो, अल्लाह के अहकाम पर अमल करो, मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करो, अल्लाह हु अकबर। फिर आप जो जो जुमले अपनी औलाद आज सामने रखेंगे, अल्लाह उन जुमलों में तासीर पैदा करेगा और बेटा भी नमाजी, पोता भी नमाजी होगा और जिसका घर का घर नमाजी होगा उसके घर पर अल्लाह की रहमतों का हुजूर होगा।